दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय में घनघोर भ्रष्टाचार, जगह जगह दलाल के द्वारा होता है काम। मेयर पार्षद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया आरोप। पांडव नगर में जरा सी कहा सुनी पर भतीजे ने चाचा का किया कत्ल, चाकू घोंपकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा, युवक पर केस दर्ज कर जांच की शुरू। निगम के सफाई कर्मचारियों ने किया ऐलान, 25 मई तक नहीं मिला वेतन तो करेंगे काम बंद हड़ताल। वेतन ना मिलने से हो रही है तमाम परेशानियां। पूर्वी दिल्ली के लोगों ने कहा कोर्ट के फैसले का जनता पर कोई असर नहीं, डोर स्टेप डिलीवरी कभी हम लोगों को मिली नहीं, डोर स्टेप डिलीवरी का राशन हमको कभी नहीं मिला। और नाले की सफाई के बाद सिल्ट को सड़कों पर छोड़ा, सिल्ट जगह जगह पड़ी होने से फैल रही है बदबू, सिल्ट की वजह से सड़कों पर लगता है जाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। EDMC के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल और पार्षद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण रजिस्ट्रार कार्यालय है, जहां रजिस्ट्रार की नियुक्ति डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से दलाल करवाते हैं। यही दलाल तय करते हैं कि रजिस्ट्रार तो सिर्फ मुखौटा बनकर रहता है, जिसके बदले में रजिस्ट्रार को कुछ प्रतिशत मिलता है। प्रत्येक रजिस्ट्रार कार्यालय की अलग अलग कीमत तय होती है, जिस कार्यालय में जितना ज्यादा काम उस कार्यालय की कीमत उतनी ज्यादा। ये सभी कार्य दिल्ली सरकार के राजस्व मंत्री के अंतर्गत आते हैं, प्रमुख भूमिका दलाल की होती है। सभी अवैध कार्य दिल्ली सरकार का मंत्रालय डिविजनल कमिश्नर दलाल के माध्यम से मिलकर अपने चहेतों को रजिस्ट्रार कार्यालय में लगवाते हैं। पहली सूची तैयार कर ली जाती है, जिस काम के कितने पैसे लगेंगे, सरकारी भूमि की रजिस्ट्री के कितने पैसे, निगम द्वारा सील बुक प्रॉपर्टी के कितने पैसे, चौथी पांचवीं छठी मंजिल के कितने पैसे, इसी प्रकार अन्य अवैध कार्यों के पैसे लिए जाते हैं। जितना बड़ा अवैध कार्य उतने ज्यादा पैसे होते हैं, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेयर, निगम के अधिकारी और पार्षदों ने आम आदमी पार्टी पर तमाम आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, जितनी भी मकान की रजिस्ट्रियाँ होती हैं सब दिल्ली सरकार के अंतर्गत होती है। वो बहुत बड़ा खेल चल रहा है वहाँ, बहुत बड़ा खेल चल रहा है। आप लोग भी जाते होंगे, कोई भी रजिस्ट्री बिना पैसे दिए, बिना दलाल के माध्यम के बिना नहीं होती। पूर्वी दिल्ली नगर निगम जिन संपत्तियों को बुक करता है या सील करता है, उसकी सूची हर महीने रजिस्ट्रार कार्यालय में चली जाती है। वो इसलिए चली जाती है कि उसकी रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। उसकी रजिस्ट्री यदि होती है तो जो व्यक्ति मकान खरीद रहा है उसके साथ धोखा होता है, या उसकी यदि रजिस्ट्री की जाए तो उसमें लाल ठप्पा लगा दिया जाए, उसको बता दिया जाए कि ये प्रॉपर्टी इस दिन इस तारीख को बुक की गई थी अवैध निर्माण के अंतर्गत, लेकिन नहीं बताया जाता। वहाँ पर इतना बड़ा खेल चल रहा है, जो डिविजनल कमिश्नर है, जो श्यामनाथ मार्ग में बैठते हैं, वो दलालों के माध्यम से, जो रजिस्ट्रार बैठे हैं, इनकी ताकत नहीं किसी रजिस्ट्री को बना कर दे। दलाल अपना खेल खेलते हैं, इनसे जो चाहते हैं वो काम करवाते हैं। दलाल इनको खरीद के बैठे हुए हैं, वो श्यामनाथ मार्ग के माध्यम से इनकी नियुक्ति करवाते हैं। जिस रजिस्ट्रार कार्यालय में जैसी नियुक्ति होनी है उसकी कीमत उसके हिसाब से होती है। ईस्ट दिल्ली के पांडव नगर इलाके में अपने साले की 13वीं में शामिल होने आए 40 साल के विजय की उनके भतीजे ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। कहा जा रहा है कि दोनों में जरा सी कहा सुनी हुई थी कि लड़के ने सब्जी काटने वाला चाकू उठाया और घोंप दिया। ये घटना गुरुवार रात की है। आरोपी 18 से 19 साल का युवक है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। वारदात के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि घर में इस तरह की वारदात हो गई है। इनके आए थे वो तो अपने दूसरे वाले घर में थे, और ये अपने दूसरे साले के घर में पहुंचे। दो भाई रहते हैं यहाँ पे, तो दूसरे साले के दौरे पहुंचे
पहुंचने के बाद उसमें उन्होंने अपना जो भी बना रखा हो मिजान मारने का सारे के सारे वहीं मौजूद है, उसको तुरंत ही उसके पीछे से छुरी का वार कर दिया। अब उनका ये तो ये जानने के हाँ या निहान का हत्या उनको बुलाया और बुलाने के बाद में रोका, शाम के टाइम शहर में माया, उसके बाद में उसको थोड़ी देर में उसका काम कर दिया। ये इनके बाप भी है, दोनों भाई हैं, तीन चार लगभग, और इसका बाप भी है और सारे सब वहीं थे मारा। निगम के सफाई कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि अगर 25 मई तक वेतन नहीं मिला तो काम बंद हड़ताल करेंगे। उनका कहना है कि पिछले 2 से 3 महीने से वेतन नहीं मिला है और जिसकी वजह से घर चलाने में उनको बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। कर्मचारियों का ये भी कहना है कि हमेशा सैलरी के लिए हड़ताल का सहारा लेना पड़ता है हम लोगों को। उन्होंने कहा कि अगर सैलरी नहीं मिली तो हड़ताल करेंगे। समाधान नज़र नहीं आ रहा और दिक्कतें ही नज़र आ रही हैं। जैसे अभी 5-5 महीने का वेतन हो गया है, 17 तारीख को हमने CM आवास पर ज्ञापन भी दिया, अपना विरोध भी दर्ज कराया, तो अभी कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया है। और अब हमने मन बनाया है कि 25 तारीख तक हम देखते हैं, अगर वेतन आता है तो ठीक है, नहीं 25 के बाद पूर्ण रूप से टूल डाउन स्ट्राइक की जाएगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी निगम की व दिल्ली सरकार की होगी। कि सर हमने ये मुख्यमंत्री को लेटर दिया है, मांग डिमांड है हमारी इसमें, और हमने उनको विज्ञापन सौंपने के बाद समय भी मांगा है, लेकिन अभी हमें उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना हमें वहाँ से फ़ोन आया, ना चिट्ठी पत्री, कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ है। अगर 25 तरह से इंतजार कर रहे हैं, अगर हमारी सैलरी आ जाती तो ठीक, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। ये घर का खर्चा चलाने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और हमारे जितने भी मूलभूत सुविधा है वो हमारी सारी ख़त्म हो चुकी है, जिसमें कि हमारी मेडिसिन वगैरह है वो तक भी नहीं मिल पा रही, तो हमारा घर का खर्चा वगैरह जो है एकदम संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। बिल्कुल, सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि 4 से 5 महीने हो चुके हैं कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं आ रही है, उसमें बहुत ही स्थिति ख़राब हो चुकी है। किसी घर में कोई बीमार है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अब बीमार हैं उनकी दवाइयों के लिए बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि वेतन आ नहीं पा रहा है निगम का। और ये देखिए कुल मिला के सारा का सारा डिपार्टमेंट इस टाइम बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आप उन तक ये आवाज़ पहुँचाइए, दिल्ली सरकार तक और केंद्र सरकार तक, ताकि मेरा कर्मचारी, एक कर्मचारी तो अभी बीच में खबर आई है वो फांसी लगा के मर गया, किस कारण? क्योंकि उसमें पैसा नहीं था, उसके बच्चों को परेशान किया जा रहा, दूध वाला दूध नहीं दे रहा, राशन वाला राशन नहीं दे रहा उसको, क्योंकि वो कहते भैया आपकी तनख्वाह कैसी है, 3-3 महीने तनख्वाह नहीं आती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की महत्वाकांक्षी योजना पर गुरुवार को रोक लगा दी। आम आदमी पार्टी की सरकार को बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को चुनौती वाली राशन डीलरों की 2 याचिकाओं को मंजूरी दी थी। इस पर CCN की रिपोर्टर सोनिया शर्मा ने जाकर आम जनता और सरकारी राशन की दुकान चलाने वाले दुकानदारों से बात की, तो लोगों ने कहा कि इस योजना के रोक लगने से हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को ये योजना कभी मिली ही नहीं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि डोर स्टेप डिलीवरी का राशन हमारे पास कभी आया भी नहीं। मुझे नहीं मिला घर पे कभी, यहीं पे आके लिया। नाम सबीजुल इस्लाम। राशन कैसे लेने आते हैं? राशन यही लेने आते दफ्तर में, राशन मिल रहा है घर में, ये सब जानकारी नहीं था। नहीं, दिल्ली में तो अभी ऐसा केजरीवाल ने कई बार कोशिश कर ली मंगाने की, लेकिन कभी डोर स्टैम्प डिलीवरी दिल्ली में कभी नहीं हुई आज तक कभी नहीं हुई। नहीं, फ़ायदा क्या, हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। राशन जब राशन दुकान पर सप्लाई नहीं दे सकते, ये मई का राशन, अब हर महीने 28-29 तारीख में राशन आ रहा है, जो 1 तारीख को माल बटना चाहिए वो 28-29 में बट पा रहा है, तो स्टैम्प डिलीवरी कैसे कर लेंगे? ये राशन अब इन्होंने वन नेशन वन कार्ड के अंतर्गत बाहर वालों को राशन तो दिलवाना शुरू कर दिया है, अब दिल्ली वाले पैदल यात्रा कर रहे हैं, उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। भाई जब तक आप राशन बढ़ा के नहीं देंगे, हम बाहर वालों को कहाँ से देंगे, और बाहर वालों को दे देंगे तो दिल्ली वाले ग्राहक रह जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी समस्या चल रही है। नहीं नहीं, वो चीज़ नहीं, वो चीज़ फ़ायदा नहीं कभी मिला, वो चीज़ कभी लागू ही नहीं होती, यहाँ पर तो आया भी नहीं। दुकान से ही राशन लेने में फ़ायदा रहता है, घरों पर जाने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। मास्टर प्लान रोड पर पिछले काफ़ी दिनों से नाले की सफाई का काम चल रहा है, जिसकी वजह से रास्तों को वन वे करके ट्रैफिक को चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से सड़क पर जाम लग रहा है, साथ ही यहाँ पड़ी हुई सिल्ट से लोगों को बदबू और गंदगी से निकलना मुश्किल हो रहा है। उनका कहना है कि नाले की शील्ड को उठाएं बिना ही ट्रैफिक को आधी सड़क से शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से धूल उड़ती है और साथ ही बदबू से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, साथ ही बीमारियों फैलने का खतरा भी लोगों पे मंडरा रहा है। ऐसा है जी, लगभग 15 दिन हो गए
इस रोड के ऊपर शील्ड नाले से शील्ड लगाकर ये रोड के ऊपर डाली हुई है, जिसकी वजह से एक तो ये रोड बंद हो गया है, रोड बंद होने से ट्रैफिक बैन थिया सड़क पर है, दूसरा शील्ड निकाल कर ये उठा नहीं रहे और जिसकी वजह से वो उड़ उड़ के लोगों के सांसों में अंदर जा रही है, लोगों के घरों में जा रही है, बीमारी फैल रही है और बहुत जाम होता है। स्कूल के यहाँ 2-3 स्कूल लगते हैं इस चौराहे के ऊपर और जिसकी वजह से बहुत तगड़ा जाम डेली हो रहा है। नाले के काम से काफ़ी एक तो जाम होने लगा हुआ है और बच्चों का यहाँ पे सबसे बड़ा है, बच्चों का स्कूल है, बच्चों को आने जाने में दिक्कत आ रही है और फिर सांस में बच्चों के सांस में लेने में दिक्कत है और यही काफ़ी दिन से रुका हुआ रास्ता और यही मलबा 15 दिन हो गए यही इसी में द्वारे डल रहा है नाले में फिर वापसी नहीं बहुत कम है और वन में हो रखा है जिसके वन में है ये सर। कितनी गर्मी ऊपर से पड़ रही है, ये गीला कूड़ा निकालते हैं एक घंटे के अंदर सूख जाता है सारा का सारा, लेकिन उठाने के लिए नहीं आ रहे जाके और उस पर ट्रैफिक इन्होंने खोल दिया सारा का। पिछले दिनों लक्ष्मीनगर के एक युवक ने अपने घर के बाहर के एरिया में सड़क खोदकर वहां तकरीबन 6 बड़े गमले लगा दिए, जिसकी वजह से सड़क पर काफी एरिया कवर हो गया, रास्ते से लोगों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। जब स्थानीय लोगों से बात की तो उनका कहना था कि एमसीडी में शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई इस पर नहीं हुई, ना ही शख्स ने चालान की रकम भरी है। बस कुछ नहीं, भी गाड़ी गुड़ी निकालने में इनमें तो जगह होती है ना, बाहर से ट्रक आते हैं तब रुक जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, ट्रैफिक छोटी हो गई है, ट्रैफिक होता है, गाड़ियाँ आगे पीछे करने में दिक्कत हो रही है तो बैक करनी पड़ती है कहीं कई बार, रोड चौड़ाई कम हो गई है ना रोड की। हाँ जी, मना किया था हमारी बातों का, ये माने नहीं, हमने इनको आराम से भी बोला था कि आप इनको पीछे सरका लीजिए कर लीजिए, तो तब भी इन्होंने नहीं माना। युवा में जो सबसे बड़ी स्वच्छता की होती है, जो मोदी जी का सबसे बड़ा स्वच्छता का उदाहरण है, वो स्वच्छता का एक गाड़ी भी अगर कूड़े गाड़ी जाती है तो गाड़ी रुक नहीं पाती, जो जिसके कारण घर में लोग कूड़े भी नहीं डाल पाता, क्योंकि जैसी गाड़ी रुकती है वो पीछे से कोई हॉर्न देता है, आगे से देता है, वो गाड़ी बेचारा चला जाता है, कोई लोग सड़क जाम हो जाती है। और आप देख रहे होंगे बिल्कुल पास में पोस्ट ऑफिस है, हमेशा निरंतर 50 लोग बाइक लगी रहती है, तो इस तरह से यहाँ काम चलते रहता है। तो मेरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ की कि लोगों को कि ठीक है आपको पेड़ लगाने हैं, संदेश देने हैं, हरित क्रांति का संदेश देना, तो आप पार्क में लगा लो, छत पे लगा लो। एमसीडी में मैंने कंप्लेन किया तो एमसीडी ने एनजीटी के रूप में जो एक बनता है उनका ऑफिशियल, जो फर्स्ट टाइम उन्होंने चलान भी काटा उन्होंने, मैं चाहूँगा कि इसको किसी तरह इंक्रोचमेंट ना हो। फ्रंट साइड पे आप अपने जो मर्जी करो, आप पूरी अगर इस तरीके से पूरा खींच लोगे तो ये तो अवैध है ना, बिल्कुल। कौन से कानून में लिखा है कि आप रोड पे पेड़ लगा लेंगे, बिल्कुल किस एनक्रोचमेंट करके कर लेंगे। आप ये देखिए इन्होंने अपने घर के बाहर भी इतने पेड़ का आप देखिए लटका हुआ, कई कितनी बार कह लिया कटवा दो, और कूड़ा घर बना रखा है। आप देखिए दो दो स्कूटी जो कि पिछले 10 साल से ऐसे ही खड़ी है। एमसीडी तो कोई कार्रवाई, देखिए जी कंप्लेंट भी की, सब कुछ किया, चलान भी आया, लेकिन कोई वो नहीं, पता नहीं आगे किस तरीके से ये जेई वगैरह मिले हुए हैं, मेरे को तो कुछ समझ में आता। बुलडोजर को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच फिर से जंग छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के पीछे पड़ी है, जबकि बीजेपी के विधायक मेयरों के घरों के बाहर अवैध कब्जा है। इस पर उन्होंने नाम भी लिया था विधायक ओपी शर्मा का। हमारे रिपोर्टर ने जाकर ओपी शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे घर पर कोई अवैध कब्जा नहीं है, मेरे घर पर आकर दिखाएं कहां अवैध कब्जा है, आपके सारे बयान बेबुनियाद हैं। मेरा ये कहना है यदि मेरे यहां कोई इंक्रोचमेंट है तो उसे तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाए, और यदि मेरे यहां कोई इंक्रोचमेंट नहीं है तो जाके जो कहने वाला उसके मकान के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। मैं इस काम के लिए तैयार हूँ और मेरी खुली चुनौती है यदि मेरे यहाँ कोई इंक्रोचमेंट है तो सबसे पहले उसको हटा दिया जाना चाहिए। कैंप जो बनी है घर के बाहर बनी है, वो मेरा जो प्लॉट है उस प्लॉट का पार्ट एंड पार्सल है, वो फीता लेके आए और नापें और साथ में मेरे साथ चाय पिए, जिसके यहाँ वो है वो आए नापें और अपना भी नपवाएं हमारा भी नपवा लें, हमें दिक्कत क्या है। ये तो फीता बताएगा ना, उनके बताने से बात थोड़ी बनेगी। मेरा यदि 400 गज का प्लाट है और 400 गज में मैंने बना रखा है तो फिर उनको खुजली गया है। केवल आरोप लगाने के लिए आरोप लगाना ये आम पार्टी के नेताओं का शगल बन चुका है, इससे उन्हें बाज आना चाहिए। शिवपुरी पटपड़गंज रोड को करीब 2 महीने पहले पाइपलाइन डालने के लिए खोदा गया था, जिसके बाद से आज तक उस रोड को रिपेयर नहीं किया गया,
मेन रोड होने की वजह से यहाँ लगातार ट्रैफिक रहता है, जिसकी वजह से वहाँ दुकानों और अंदर गलियों के घरों में धूल से बुरा हाल रहता है। वहाँ पर लगातार धूल उड़ती रहती है, ट्रैफिक जाम रहता है। वहाँ के दुकानदारों का कहना है कि इस रोड को खोदे हुए 2 महीने से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन इसको रिपेयर नहीं किया गया। पूरा दिन यहाँ मिट्टी उड़ती रहती है, यहाँ से निकलने वाले लोग परेशान उठाते हैं, लेकिन जिनको इसकी रिपेयर करनी चाहिए वो यहाँ आते तक नहीं। दुकानदारों का कहना है कि इसकी शिकायत कई बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको ठीक नहीं किया जा रहा। यहाँ पर बस भी चलती है, जिसके बाद धूल मिट्टी लोगों के अंदर तक चली जाती है। एक तो पोल्यूशन फ्री दिल्ली बना रहे हैं, ऊपर से पोल्यूशन को बढ़ावा देते जा रहे हैं। तो केजरीवाल की बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन काम कुछ होता नहीं है। 2 महीने से रोड टूटी हुई है, एक ऊपर से मिट्टी और डाल दी है, जो मिट्टी पड़ी थी उसके ऊपर और मिट्टी डाल दी, और डस्ट उड़ती है। यहाँ दुकानदार क्या, रेजिडेंशियल क्या, सब बहुत ज़्यादा परेशान है। इसको कोई छिड़काव नहीं होता, कभी महीने में एक बार 2 मिनट के लिए गाड़ी आती हुई चली गई, उसके बाद कोई जो यहाँ सुनाई गिनाई नहीं होती है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं, कोई आने जाने वाला नहीं। पड़पड़गंज रोड जो किशन नगर की लाइफ लाइन कही जाती है, जिसमें मेरे ख्याल से एक दिन में कम से कम 10 से 15 या 20 हज़ार गाड़ी भी निकलती हैं, आना जाना है लोगों का, और साथ में एक हैपिंगली स्कूल है। इसके अलावा यहाँ से निकलने का दिल नहीं करता किसी का, इतना पोल्यूशन है कि आप देख सकते हो एक धुंधली वैली हुई है। आप प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है, दिल्ली का मुखिया हो चाहे किशन नगर का मुखिया हो, दोनों ही अपना बेसुध हुए पड़े हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है जनता के कामों से, जनता की भलाई के लिए, केवल अपना जो एडवर्टाइजमेंट वाला मामला है, वो जगह जगह अपने पोस्टर लगाना, जगह जगह अपनी एडवर्टाइजमेंट लेना, या बसों पे अपने पोस्टर लगाना कि हम ये कर रहे हैं, करना कुछ नहीं। तो यहाँ की जनता हाल बेहाल है, यहाँ परेशानी है भाई साहब, मिट्टी खा के बुरा हाल हुआ पड़ा है, और आज 2-3 महीने से बहुत बुरा हाल है। कोई सुनवाई नहीं, एक बार सिर्फ पानी डाला था, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, उसके बाद वो भी नहीं डाला। आप देखो अभी काउंटर में कपड़ा मारो थोड़ी देर, फिर वैसे हो जाता। 22 मई को निगम कार्यालय खत्म होने के साथ ही निगम पार्षद पूर्व नगर निगम पार्षद हो जाएंगे। पूर्व पार्षद होने के साथ ही जनता के बीच किस तरीके से बने रहेंगे या जनता से कैसे मदद करेंगे, इस पर हमने कुछ पार्षदों से बात की। तो पार्षदों का कहना था कि निगम एक होने के साथ ही सरकार एक अधिकारी नियुक्त करेगी जो सभी काम पर ध्यान देगा, और पिछले 5 सालों से हम इलाके के पार्षद रहे हैं, जिसके चलते हम लोगों को उम्मीद दिलाते हैं कि हम काम पर ध्यान देंगे। हमने भी अधिकारियों डिपार्टमेंट में लोग जानते हैं, और हम अपने लेवल पर भी लोगों की मदद करते रहेंगे। जोन के माध्यम से जोन चलते रहेंगे, जोन के माध्यम से पब्लिक के ग्रीवेंसेस जितनी भी हैं जोन को एंटरटेन करेगा, और एक प्लेटफॉर्म भी बनेगा निगम का, एक प्लेटफॉर्म जहां पर लोग अपनी ग्रीवेंसेस को रजिस्टर कर पाएंगे, और ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए जनता में, अच्छा काम होगा। और जो पूर्व पार्षद हो जाएंगे हम सब, वो भी तो सेवा के लिए बैठे हुए हैं, सेवा करेंगे, अभी भी सेवा कर रहे थे तब भी सेवा करेंगे, इसलिए पब्लिक को कोई घबराने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, हम सब साथ हैं। देखिए, क्योंकि हमारा कार्यकाल 5 वर्ष का 22 तारीख को पूर्ण हो जाएगा, लेकिन जो भी सफाई और जो हमारे DBC के कर्मचारी हैं वो हमारे कहने पर कार्य करेंगे, क्योंकि जनता जब हमारे पास हमारे से 5 साल जुड़ी हुई है, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम सरकारी कार्य उन्हें ऐसा बता रहे हैं कि उनकी वो ड्यूटी है, और जब तक कोई नया पार्षद नहीं बनता उन्हें बताया कि अगर हम कोई समस्या उन्हें बताएंगे, और आदमी के इतने टाइम के अंदर संबंध भी बन जाते हैं, तो इन आधार पर जो है हम जनता का काम पूरा कराएंगे, और जब तक नया पार्षद नहीं बनेगा हम एरिया में किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा नहीं होने देंगे। और ये जो 5 साल में जो निगम पार्षद के रूप में हमें जो काम करने का मौका मिला, इसमें बहुत सारी हमने चीज़ें सीखी, कैसे काम करने, अलग अलग डिपार्टमेंट कहाँ हैं, उनके नंबर्स क्या हैं, उनके अधिकारी कौन हैं, और कैसे वो काम किए जाते हैं। तो आने वाले समय में जो भी जनता हमारे पास आएगी उनके काम बाकायदा करवाए जाएंगे। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।